एक मुरीद एक शिष्य अपने सदगुरु मौला से दुआ करता है, मेरे रहबर, मेरी जिंदगी पतझड़ के समान थी जिसमें कोई खुशी कोई आनंद नहीं था, पर तेरा रहमो करम हुआ, मुझ पे कृपा हुई, नूरे नजर पड़ी, मेरे कर्म बने, तेरा नाम मिला और तेरे उस नाम ने मेरे सारे अच्छे काम बना दिए और बुरे कर्म मेरे से निकाल दिए। तेरी रहमो करम, तेरी मोहब्बत, तेरी जरा नवाजी, तेरे परोपकारों का बदला, अगर पूरे शरीर का हर बाल हर रोम रोम भी जुबान बन के गाने लगे तो गाया नहीं जा सकता। सो ऐसा मुरीद जब तड़फ के अपने सदगुरु मालिक के आगे दुआ करता है तो उसे करते रहना चाहिए, थकना नहीं चाहिए। मैं थक गया, मैं हार गया, रूहानियत के मार्ग में थकना हारने का तो कोई लेना देना ही नहीं है। जब आपने गुरुमंत्र ले लिया, जब आपके ऊपर अल्लाह मालिक की रहमत हो गई, सत्संगे सुनते हो, तो मन के सामने हथियार डालने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। चाहे ये घटा घनघोर बन के छाए या कुछ और बन के छाए, हमेशा दृढ़ विश्वास रखो कि मेरा सदगुरु मौला दाता रहबर पूरा है, वो दोनों जहां का मालिक है। ही मन दीवाने, तेरे नाक में वो नकेल जरूर डालेगा। और फिर जैसा पीर फकीर कहें उसके अनुसार चलते रहो। जब भी मन रोके सुमन कर लो, मन का मुंह तोड़ जवाब दो, तो यकीनन मालिक की कृपा होगी और मालिक की दया में रहमत आप पे बरसने लगेगी।